हेलो दोस्तों, माही न्यूट्रिश यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीमेल अकाउंट यूट्यूब अकाउंट को हैक से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है और आप अपने अकाउंट को हैकर से हाथ से बचाना चाहते हैं, तो आज हम जितने भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक आपका अकाउंट सेफ रह सकता है। तो कौन कौन सा टिप्स है, चलिए हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट पर कुछ भी सेफ नहीं है, कभी भी आपका कोई भी अकाउंट हैक हो सकता है। तो खास करके हम लोग जो जीमेल अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो भी दोस्तों आपका हैक हो सकता है। क्योंकि हाल ही में एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल जिसमें 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर था, जिसका नाम है फंकी जोकर, वो दोस्तों 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी को हैक हो गया है। अभी उसके ऊपर द हंगामा फिल्म ने एक वीडियो बनाया है कि हमारा चैनल हुआ डिलीट सपोर्ट फंकी जोकर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना बड़ा यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है। तो अगर आपके पास भी एक यूट्यूब चैनल है तो आप भी कभी भी हैक के शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने अकाउंट को हैक होने से बचाना है तो कुछ टिप्स आपको फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आपका भी अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है और जिसको रिकवर करना दोस्तों लगभग नामुमकिन है। तो कौन कौन सा टिप्स है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमें पता ही है कि जीमेल अकाउंट से ही हम लोगों को यूट्यूब चैनल बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला, अगर आप जीमेल अकाउंट को ही सिक्योर कर लेंगे तो आपका यूट्यूब अकाउंट भी सेफ हो जाएगा। तो गूगल ने जीमेल अकाउंट को कैसे सेफ रख सकते हैं उसके ऊपर बहुत सारा टिप्स दे रखा है जिसको आपको फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं मेक योर अकाउंट मोर सिक्योर। तो आप इधर से आपको 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 स्टेप आपको दिया गया है, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। तो पहला स्टेप है डू ए सिक्योरिटी चेकअप, मतलब आपको अपना सिक्योरिटी चेकअप को चेक करना है, जैसे कि ऐड और अपडेट अकाउंट रिकवरी ऑप्शन। उसके बाद टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, रिकवर रिमूव रिस्क एक्सेस और टू योर डाटा, टर्न ऑन स्क्रीन लॉक। तो ये सारे के सारे दोस्तों काफ़ी फायदेमंद होगा अगर आप अपने अकाउंट में इसको इनेबल कर लेंगे इन सभी स्टेप्स को, तो आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा दोस्तों स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर, तो अगर आप कोई ब्राउज़र से अपने जीमेल अकाउंट या फिर यूट्यूब को यूज कर रहे हैं तो उस ब्राउज़र को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करते रहिए, चाहे वो विंडोज़ हो या फिर दूसरा कोई, या फिर मोबाइल भी हो दोस्तों एंड्रॉयड, तो उसको भी आपको अपडेट कर लेना होगा। अगर आप जीमेल या फिर यूट्यूब का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसी से बस दोस्तों आप जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते हैं, यूट्यूब अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो आपको अपना ऐप को भी अपडेट कर लेना होगा टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक थर्ड जो ऑप्शन है यूज़ यूनिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। ये बहुत ही दोस्तों ज़रूरी है अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, एक जीमेल अकाउंट बनाते हैं और उसमें बहुत ही कॉमन कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर दोस्तों 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 इस टाइप के पासवर्ड यूज करते हैं जो कि बिल्कुल बेकार है और उस टाइप के अकाउंट सबसे ज़्यादा हैक होता है। तो आपको अपना जो पासवर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग यूज करना है। इधर स्ट्रांग का मतलब ये हो गया कि आपको 8 डिजिट से भी ज़्यादा पासवर्ड यूज करना है, साथ ही दोस्तों आपको मल्टीपल वर्ड या फिर नंबर यूज करना है, साथ ही आप क्या कर सकते हैं सिम्बल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एट द रेट हो गया, हैच हो गया, अंडरस्कोर हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, ठीक है। इस टाइप का आप सिंबल यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांग बन जाएगा और हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इधर से भी आपको और भी डिटेल्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद 4 ऑप्शन है क्या, रिमूव एप्स एंड ब्राउजर एक्सटेंशन यू डोंट नीड।
तो काफ़ी टाइम देखा जाता है हम लोग अपने जीमेल के अंदर या फिर हमारे ब्राउज़र के अंदर जो है अन ऑन जो दोस्तों को ज़रूरी नहीं है उस टाइप के एक्सटेंशन को हम लोग इंस्टॉल करके रख देते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग चेक भी नहीं करते कि ये एक्सटेंशन किस काम के है या फिर ये सेफ है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइप का कोई एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र में है जो एकदम पुराना है, जो आउटडेटेड है, उसको आपको तुरंत रिमूव कर देना है, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी अभी जो कुछ हम लोगों ने बताया, जैसे कि अगर आपको इधर टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह या फिर दोस्तों रिमूव रिस्की एक्सेस योर डाटा वगैरह, ठीक है, टर्न ऑन स्क्रीन लॉक वगैरह, ये सब कुछ करना है तो आपको myaccount.google.com पर आना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी टैब में क्लिक करना है और इधर से आप सारे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वी कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड, तो इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट कितना प्रोटेक्टेड है, अगर कोई रिस्की है तो आपको इधर दोस्तों वो भी वार्निंग मैसेज दे देगा, जैसे कि मेरा सेफ है इसलिए इधर ग्रीन जो है राइट जो है वो सिंबल दे रखा है। उसके बाद अगर आप इधर से टू स्टेप वेरिफिकेशन वन है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरा वन है तो मैंने मेरा इधर टिक वन लिखा हुआ है, तो अगर आपका ऑफ है तो आप इधर से डायरेक्टली इसको ऑन कर सकते हैं। उसमें अपना कोई भी एक फ़ोन नंबर डालकर आप उसको सिक्योर कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो इस तरह दोस्तों अगर आपको कोई रिकवरी मेल फ़ोन नंबर ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं, उस देखें आप देख सकते हैं मेरा एक रिकवरी फ़ोन नंबर एक ईमेल एड्रेस भी इधर दे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका इधर कोई रिसेंटली सिक्योरिटी इवेंट्स चल कौन कौन सा है वो भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई इधर भी कोई प्रॉब्लम दिख रहा होगा आपको तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये डिवाइस मतलब आपका जो अभी है जीमेल अकाउंट है वो कौन कौन से डिवाइस में लॉगिन है वो भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हैं मेरे अभी इसी डिवाइस के अंदर ये लॉगिन है। तो इसी टाइप के दोस्तों आप और भी आपका ऑप्शन है जैसे कि साइन इन गूगल का, पासवर्ड मैनेजर का, ठीक है, लिंक अकाउंट वगैरह, तो ये उतना खास नहीं है। आपको जो सबसे ध्यान देने बात ये है कि आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपको एनेबल कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग देना होगा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद अगर आपका इसमें कोई थर्ड पार्टी ब्राउजर थर्ड पार्टी कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल है अपने जीमेल के अंदर तो उसको भी रिमूव कर देना होगा, ठीक है। अगर आपके एक से ज़्यादा किसी डिवाइस में लॉगिन है वो भी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको तुरंत लॉग आउट कर लीजिएगा, आप अपने इसी सेटिंग्स ऑप्शन से कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका अकाउंट कुछ हद तक दोस्तों सेफ हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे बढ़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।